हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स में यूनिट 9, जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। शॉर्टली हम उसे केटीजी बोल देते हैं, वेरी फेमसली इट इज नोन एज केटीजी। ठीक है, तो चलिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये थ्योरी क्या कहती है, इसमें चलने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट लॉज को डिस्कस करेंगे। जब हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को डिस्कस किया था, यूनिट 7 का आखिरी पोर्शन जो था, उसके बाद हमने थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी किया, उसके बाद हम केटीजी की बात कर रहे हैं। ये लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। इन सब में हीट टेम्परेचर, हीट फ्लो, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंजेस, इन सब की बात हम करते हैं। तो केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में स्पेशली हम गैसेज की बात करेंगे कि वो कैसे बिहेव करती हैं। किसकी बात करेंगे बेटे? गैसेज की बात करेंगे कि गैसेज कैसे बिहेव। तो उस पर जाने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लॉज की, जिसमें सबसे पहले बेटे बॉयल्स लॉ। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसाक्स लॉ, ये सब, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये सब क्या है? साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखे गए हैं इनके नाम। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ की बात करते हैं। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? ये लोग कहता है कि अगर कोई सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, तो उसका प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर क्या होता है? वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस is inversely proportional to its volume at constant temperature कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यानी अगर हम टेम्परेचर फिक्स रखें तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, दैट इज पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी एट टी कॉन्स्टेंट। कोई दिक्कत? तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पी इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि वी इधर जाएगा, पी इंटू वी की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी बेटे? कॉन्स्टेंट हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है, तो ये आपके पास बॉयल्स लॉ। यहीं से हम ऑलरेडी इसमें पिछले चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज कर चुके हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस की ये इक्वेशन थी। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हैं और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट पर पी और वी की मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट होती है। तो ऑलरेडी इसे हम पढ़ चुके हैं, तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू भी हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक ग्राफ की। इसकी बात करेंगे बेटे? अगर हम बात करें, एक तरफ ले लेते हैं पी, एक तरफ ले लेते हैं वी, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो इनका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। दिस इज द ग्राफ। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत किसी बच्चे? जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर कम हो रहा है, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ रहा है, नीचे आएंगे प्रेशर कम हो रहा है, राइट साइड में वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम कम हो रहा है। तो देखिए, जैसे मान लो कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम इतना है मान लो वी वन, और इस पॉइंट पर वॉल्यूम है वी टू, तो वॉल्यूम बढ़ गया ना। आपका ध्यान कहाँ है इसमें? देखो बेटे, वहां ध्यान देने से तो बात नहीं बनी। बोर्ड पर देखो कोई समझ आना है, फिर मैं कल क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मुंह लटका खड़े हो जाओ। यहाँ पर प्रेशर कितना है? पी वन। यहाँ पर प्रेशर कितना है? P2. इन दोनों में ज्यादा कौन है? पी वन। देखो पी वन जो पी टू से ज्यादा है, लेकिन वी वन वी टू से कम है। तो यानी जब आप प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है। तो जब आप इधर आ रहे हो तो देखिए, ये जो ग्राफ है नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आने वाला प्रेशर कम हो रहा है, और राइट साइड में आना मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा, तो ये ग्राफ बढ़ रहा है। इज इट ओके? लेकिन अगर हम इसी ग्राफ को पी और वन बाई वी के बीच में बनाएंगे, एक तरफ ले लेते हैं ग्राफ में पी और दूसरी तरफ क्या ले लेते हैं? वन बाई वी, तो ये वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन वन बाई वी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो P और 1 by V एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसलिए ग्राफ ऐसा बन जाएगा। एनी डाउट टू एनीबॉडी? तो ये ग्राफ कैसा है? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by V, और ये ग्राफ क्या है? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V।
क्लियर हुआ नहीं हुआ? एनी डाउट एनीबॉडी? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है एक वन बाई वी के साथ, और ये इफेक्ट दिखा रहा है वी के साथ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है जी, तो ये आपके पास हो गया बॉयल्स लॉ। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट लॉ की तरफ, दैट इज चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के बाद किधर चलें? बोलो कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। चलो अब देखो उसे चार्ल्स लॉ क्या कहता है। चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर हम प्रेशर कॉन्स्टेंट रखें, क्या कॉन्स्टेंट रखें? प्रेशर कॉन्स्टेंट रखें, तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम क्या होता है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ल्स तो डेफिनेशन आप बच्चे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम या वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। वॉल्यूम क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। यानी हम ये कह सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर। कोई दिक्कत? कहने का मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यानी हम कह सकते हैं इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम विल इंक्रीज, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस वॉल्यूम विल डिक्रीज। क्लियर हुआ बेटे? बट हाउ मच इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, हाउ मच इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए मान लेते हैं कि जो वॉल्यूम है वो वी नॉट है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वी नॉट वॉल्यूम है किसी गैस का। क्लियर हो गया? हमने एक डिग्री बढ़ाया, कितना बढ़ाया टेम्परेचर? एक डिग्री। जब हम टेम्परेचर एक डिग्री बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा बेटे? जितना पहले था उसका डिवाइडेड बाई 273.15। जो ओरिजिनल वॉल्यूम है ना उसको 273 पार्ट कर लें, उसके 273.15 इतने हिस्से कर लें तो एक हिस्से के बराबर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड ना? इतना बढ़ गया तो ये आपके पास नया वॉल्यूम हो गया। हाँ या ना बोलो? ठीक है जी। लेकिन ये नया वॉल्यूम कब हुआ? जब एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया। अगर आप 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 1 डिग्री पर इतना बढ़ा तो 2 डिग्री पर गुणा में 2 उतना जुड़ जाएगा। 3 डिग्री बढ़ाएंगे तो इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, और T डिग्री बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाई में T आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे VT। यानी किसी भी टेम्परेचर T के ऊपर जो गैस का वॉल्यूम होगा वो होगा दिस VT बराबर कितना होगा? V नॉट प्लस V नॉट बाय 273.15 इनटू T। अब यहां से हम V नॉट कॉमन ले लेते हैं और अंदर आ जाएगा 1 प्लस T डिवाइडेड बाय 273.15, तो ये भी आप कह सकते हैं चार्ल्स लॉ से। ठीक बात? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है जी। यहां से एक और फार्मूला इंपॉर्टेंट हम क्या निकाल सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। इसका मतलब यह हुआ कि किसी पहली सिचुएशन में जब वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, प्रेशर तो कॉन्स्टेंट ही रखना है, जब वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, तो आप ये लिख सकते हैं कि V1 is equal to a constant into T1। अरे भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट लगेगा ना, वो कॉन्स्टेंट हमने कुछ भी लिख दिया सब कॉन्स्टेंट। अब हम तो दूसरी सिचुएशन में जब V2 होगा तो क्या लिखेंगे? कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय T2। और जब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि V1 by V2 is equal to T1 by T2। हाँ या ना बोलो? ठीक है जी। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया किसका बेटे? चार्ल्स लॉ का। किसका फार्मूला आ गया? चार्ल्स लॉ। और अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ बनाएं, हाँ जी बेटे, तो जब हम इसका ग्राफ बढ़ाएंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का, तो एक तरफ अगर हम V ले लें और एक तरफ T ले लें तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ना। लेकिन ग्राफ हम ऐसे कह सकते हैं कि जीरो से शुरू नहीं करना हमें। जीरो शुरू क्यों नहीं करना है? क्योंकि गैस का वॉल्यूम जीरो कब होगा? नहीं होगा ना। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम सम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड लेटर ऑन जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो गैस का जो वॉल्यूम है एक्सपेंड करेगा, और जब टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम है वो कोलैप्स करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्लियर हो? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये आपके पास चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन लिख लोगे। ठीक है, आप इसमें ये भी कह सकते हैं, चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन में आप ये भी कह सकते हैं, ये वाला आप कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस विल इंक्रीज और डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। सुनो मेरी बात,
एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा वी नॉट बाई 273, और एक डिग्री कम करोगे तो इतना कम हो जाएगा। क्लियर हुई बात क्या नहीं हुई? तो राइज और फॉल विद टेम्परेचर के साथ क्या होगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज और डिक्रीज बाय दिस अमाउंट। तो इस प्रकार भी आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। सिंपल डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हो, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। कोई दिक्कत है? एनी डाउट टू एनीबॉडी? नेक्स्ट है आपके पास गे लूसाक्स लो, इससे मिलता जुलता ही है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही कह लो आप, बस वहां पर वॉल्यूम फिक्स रखेंगे। क्या फिक्स रखेंगे? वॉल्यूम फिक्स रखेंगे और प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। तीसरा आपके पास आगे बच्चों गे लूसाक्स लो, ये लो क्या कहता है, ये कहता है कि भाई वॉल्यूम कांस्टेंट रखो तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आइडियल गैस का प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रेशर कम होगा। कितना बढ़ेगा और कितना कम होगा? फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर प्रेशर विल इंक्रीज बाय 1/273 पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्रेशर। वही सेम, तो आप कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। कोई दिक्कत? ठीक है जी। फिर यहां से आप ये भी कह सकते हो कि भैया P1 by P2 = T1 by P2। वही सेम, वही ग्राफ आ जाएगा, सेम ग्राफ आ जाएगा प्रेशर टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये ग्राफ भी जीरो से शुरू नहीं होगा। टेम्परेचर तो जीरो हो सकता है, टेम्परेचर तो जीरो हो सकता है, आप जीरो केल्विन भी ले सकते हैं टेम्परेचर, नो डाउट। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस। और ज्यादा एक्यूरेसी में जाएं तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन प्रेशर तो जीरो नहीं होता ना, अंडरस्टूड है ना? तो फिर ये भी ग्राफ जो है वो कुछ सर्टेन वैल्यू से स्टार्ट होगा। और साथ ही में हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो 1 डिग्री टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो प्रेशर कितना बढ़ेगा, ओरिजिनल प्रेशर को डिवाइड कर दो 273.15 से, इतना बढ़ेगा। तो 2 डिग्री बढ़ाने से गुणा में 2, टी डिग्री बढ़ाने से गुणा में टी, तो नया प्रेशर कितना होगा, व्हाट विल बी पी टी, इट विल बी टी नॉट प्लस, इतना तो पहले था ही, और कितना बढ़ गया, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर इतना बढ़ा और टी डिग्री बढ़ाने पर गुणा में टी। हाँ है ना? Yes, तो फिर PT बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट अब कॉमन ले लेंगे, 1 + T / 273.15। कोई दिक्कत? No, श्योर? Yes, तो ये आपके पास हो गया बच्चों के लूसाक्स लो, ये क्या हो गया, क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? दिक्कत हो तो आप बच्चे पूछ सकते हैं। ठीक है जी।